नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कब्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट साफ ना होना, मल त्याग करते समय बहुत तकलीफ होना, क्योंकि कई बार मल का कड़ापन भी रहता है। तो कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो मेनली आंतों में सूजन की वजह से आ जाती है। वो चाहे खुश्की की वजह से भी हो सकता है, तो पानी कम पीने की वजह से अक्सर खुश्की आ जाती है जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है, या फिर गलत खान पान की वजह से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर मात्रा में नींद पूरी ना होने की वजह से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा नशा करने वालों को भी अक्सर कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कब्ज़ के रोगियों को एक तो जैसे अपना टाइम जो है ना, सोने का जो टाइम है वो फिक्स करना चाहिए कि प्रॉपर मात्रा में सोना है, पूरी नींद पूरी करनी है। उसके बाद थोड़ी देर योगा वगैरह करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, तो उससे क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है और कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, लिक्विड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीना चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी का सेवन करना जो कब्ज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ अपना खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा लें, कच्चा सलाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं जो फाइबर युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं, जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, अंकुरित अनाज लिया जा सकता है, और एक्सरसाइज जितनी की जाए उतना बेहतर रहता है। क्योंकि जो नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं या अपना योगा वगैरह करते हैं तो उससे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है और कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। रात को गर्म दूध लेना जो है उनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर कब्ज़ क्लीन प्लस BC4। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर कब्ज़ क्लीन ड्रॉप्स, जिसके 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 4 की टैबलेट होती है जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को ज़रूरत के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी। अधिक मात्रा में नशा ना करें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।